हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभा कुकिंग स्टोरीज। तो आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज क्या बताने जा रही हूँ। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताती हूँ। ये है मोटी वाली मिर्च। जो मोटी वाली मिर्च आती है ना मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली मिर्ची नहीं है तो आप अभी सर्दियों में थोड़ी अच्छी लंबी वाली और हल्की लाइट ग्रीन कलर की मोटी मिर्च आती है वो ले सकते हैं। पर इस मिर्ची का आप बनाएंगे तो अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये मिर्ची आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने चार मिर्ची ली हैं और ये मैंने बेसन को पहले से तैयार करके रखा है, घोल के रखा है। इसमें मैंने एक कटोरी एक कप बेसन लिया है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा खाने वाला सोडा, चुटकी भर खाने वाला सोडा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और इसको एक मैंने हल्का सा थिक पेस्ट बना के रखा है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पेस्ट को, ये पेस्ट देख सकते हैं आप, इसको मैं लाल मिर्ची डाल के मिक्स कर रही हूँ। ये पेस्ट थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक साथ डाल देंगे तो पेस्ट आपका पतला हो जाएगा, बैटर आपका एकदम पतला हो जाएगा जिससे आपका टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाला है, नहीं ज़्यादा नहीं डाला है इसमें। मिर्ची में आप, अगर आप चाहें तो, आपको पसंद हो तो इसमें आप आलू की स्टफिंग कर सकते हैं। बॉयल्ड आलू को मैश करके उसमें थोड़ा सा मिर्ची मसाला मिला के आप इसके अंदर, इसको बीच में से कट करके चीर के इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी प्लेन ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं आलू बॉयल करके नहीं बना रही हूँ, मैं प्लेन ही बना रही हूँ। और इसके अलावा आप इसमें सब्जियों की भी स्टफिंग कर सकते हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, खीरा, वो सब चॉप करके उसमें आप पूरे मसाले मिला लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेसन, कच्चा बेसन ऐसा सेक के सूखा उसमें भर के आप इस मिर्ची को बना के इसमें स्टफिंग करके बना सकते हैं। तो देखिए, मेरा तेल मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में लगा रखा है जो गर्म हो रहा है। अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि मैं अपने मिर्ची बड़े कैसे बनाऊँगी। और इन मिर्ची बड़ों को आप अमचूर और इमली या फिर खजूर की या फिर अमचूर की चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा इस बीच ऑयल भी गर्म हो गया है तो मैं फ्लेम थोड़ा स्लो कर दे रही हूँ। तो ये मेरा बेसन भी हो गया है तैयार, तो अब मैं इस बेसन के साथ आपको बना के दिखाती हूँ। तो बताइएगा मिर्ची बड़े किस किस को पसंद है और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताइएगा। भाई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाते हैं तो आलू की स्टफिंग कर लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा ही बना लेते हैं। हमारे यहाँ मेरे बेटे को थोड़ा ये वाले मिर्ची बड़े पसंद है तो मैं ये वाले बना रही हूँ। ये देखिए, ये ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इस बीच हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल मिर्ची बड़े पर डालते रहेंगे। ये मैंने इसमें एक और डाल दिया है, और ये एक और। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, जो हम बना के डाल रहे हैं फूड के बारे में, जो भी कुकिंग के बारे में डाल रहे हैं, मिर्ची बड़ा, बाकी सारी चीज़ें जो भी मैं डालती हूँ बना के, अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि हम लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो देखिए, ये मैंने मिर्ची बड़े इसमें डाल दिए, थोड़े थोड़े मैं इनको चलाते हुए सेक लूँगी। इनको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, इनको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। ऐसे थोड़ा सा ऑयल डालते रहेंगे इनके ऊपर
तो ये अच्छे से फ्राई होंगे अंदर तक, और इस बीच में इनको ऐसे करके पलट देना है ताकि अच्छे से सिक सके। वैसे तो ये मिर्ची बड़े राजस्थान में बहुत पसंद किए जाते हैं, राजस्थानी लोग बहुत पसंद करते हैं, यूपी साइड में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, पर हर जगह के तरीके अलग अलग होते हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। भाई मैं तो यही तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से ही बनाए हुए भजिए पसंद आते हैं, मिर्ची बड़े। तो थोड़ा सा फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी और अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक मिर्ची बड़े हम सेक लेंगे। जैसे ही मिर्ची बड़े हमारे सिकेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी क्या, अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा है, ठंडा है, ठंडक वाला मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा अच्छा सा मिल जाए स्पाइसी सा खाने के लिए, और आप अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप झटपट बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। और आपके अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा सा खिलाएं, कैसे क्या बनाएं जल्दी में, तो अगर आपके पास इस टाइप की मिर्चियां बड़ी हों तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप की मिर्ची के बड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं आराम से। देखिए मैंने बनाए ना, कितने इजीली बन जाए। कुछ नहीं करना है, बस बेसन तैयार करना है, मिर्ची निकालनी है, उनको साफ़ करके पोंछना है, मिर्ची को अच्छे से वॉश करके, जब आप मिर्ची अच्छे से वॉश करेंगे ना, धोएंगे ना उनको, तो उनको धोने के बाद आपको अच्छे से उनको पोंछ लेना है, क्योंकि उनमें अगर ज़रा भी पानी रहेगा ना, तो आप जब ऑयल के अंदर डालेंगे ना तो हो सकता है आपके ऊपर ऑयल, गर्म ऑयल के छींटे आ जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजीली और सेफली बन जाते हैं। देखिए कुछ नहीं बनाने की इनमें ऐसी ज़रूरत है, बहुत आराम से बन जाते हैं। देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, अच्छा सा कलर इनमें, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। अब मैं इस बीच में इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, हमारे मिर्ची बड़े तैयार हैं। बनाइए और खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए, और बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये मिर्ची बड़े। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। अब आपको इसको बनाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि मुझे कैसे, आपको मेरे बनाए हुए मिर्ची बड़े कैसे लगे। सो थैंक यू।